हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ओपन योर एनवायरनमेंट टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 39। टुडे वी विल राइट एक्सरसाइज। ओके, तो हम यहाँ पे पेज नंबर 39 पे एक्सरसाइज में सी दिया गया है उसे लिखेंगे। ओके, सी मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड मेक पेयर्स। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड मेक पेयर्स। हमें यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं, उन्हें मैच करना है। देखो यहाँ पे टू कॉलम्स है ना, उसे मैच करना है ना। तो सब यहाँ फर्स्ट वाली कॉलम में फूड प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और जो सेकेंड वाली कॉलम है उसमें हमें फूड प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं ये दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट में है राइस। राइस तो क्या आएगा कॉलम, सामने वाली कॉलम में से राइस हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। तो प्लांट्स कहाँ पे है? सी में। तो हमें यहाँ फर्स्ट वाले को सी पे छोड़ना है। मैच करना है ऐसे, राइस को सी प्लांट्स के साथ, प्लांट के साथ मैच करना है। फिर सेकेंड है मिल्क। हमें मिल्क कहाँ से मिलता है? यस, काउ से। तो काउ कहाँ पे है? ई पे। तो हमें सेकेंड को ई के साथ मैच करना है। सेकेंड ई के साथ मैच। फिर थर्ड में है मीट। तो हमें मीट कहाँ से मिलता है? स्टूडेंट डू यू नो आंसर, मीट कहाँ से मिलता है हमें? एंड गोट। गोट, गोट से मिलता है ना? यस। यहाँ पे क्या है, गोट कहाँ पे है? बी पे है। हमें ये थर्ड को बी के साथ मैच करना है। उसके बाद है फोर्थ। फोर्थ पे एग। एग हमें कहाँ से मिलते हैं? यस, एग हमें हेन से मिलते हैं ना। तो हेन कहाँ पे है? ए पे। तो हमें यहाँ फोर्थ वाले को ए के साथ मैच करना है। ओके, उसके बाद है फिफ्थ हनी। हनी हमें कहाँ से मिलती है? अभी हमने यहाँ पे सब कुछ मैच कर लिया, अभी सिर्फ एक बचा है डी। तो हमें हनी कहाँ से मिलती है? बी के पास मिलती है ना, तो हम डी के साथ छोड़ेंगे। ओके, तो समझ में आया आपको कैसे मैच करना है? अभी जो मैंने ये मैचिंग करवाए हैं वो आपको एनवायरनमेंट की नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। ओके?